आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर इस वक्त राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है और इसके पहले यहां पे तमाम जो समर्थक कार्यकर्ता हैं या कहें राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है इस बैठक के लिए, इसकी एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले लिस्ट में जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं उन्हें अपना नाम चेक कराना होगा और उसके बाद जो अगला यहाँ काउंटर है यहाँ पर आपको विधायक भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 100 रुपये की फीस आपको देनी होगी जिसके बाद 3 साल के लिए आप राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बन सकते हैं। एक तरह से ये एक्सटेंशन होगा जिसके बाद यहाँ पर आपको एक रसीद दी जाएगी। रसीद के साथ साथ ही आपको अगले काउंटर पर आई कार्ड दिया जाएगा और जो भी आज मुद्दे इस बैठक के दौरान चर्चा में शामिल किए गए हैं उनकी जानकारी भी दी जाएगी। अलग अलग राज्यों से, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली के अलावा जो राज्य आम आदमी पार्टी के संगठन का हिस्सा हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर गोवा हो, यहाँ से भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य आम आदमी पार्टी के हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। विधायक यहाँ पर पहुँच रही हैं, वंदना कुमारी। विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो गोपाल राय हो या मनीष सिसोदिया, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुँच गए हैं। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ी तैयारी भी आम आदमी पार्टी कर रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो कल हुई थी, इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। ये तय किया गया कि आगे क्या चुनावी रणनीति अपनाना है, लेकिन साथ ही साथ आज किन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल चर्चा करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के साथ, ये देखना भी दिलचस्प होगा। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।